Hey guys, welcome back to our YouTube channel RP Stylists. आज है मंडे, आज मैं जाने वाला हूँ सर ऑफिस में, थोड़ा बहुत काम मिलेगा। वेबसाइट कंप्लीट कर दिए जैसे ने काम दिया था, तो आज तो बर्थडे बर्थडे है, आज तो काम मिलेगा, वो काम पेड़ का अलग ही फीलिंग होगा सच में, बहुत ज़्यादा अलग थे। नहीं हम पहले मैं आपको बता नहीं सकता, व्यूज तो आ नहीं रहे यूट्यूब पे, किसको बताऊँ, पर कभी तो आएंगे। चलो मिलते हैं फिर से भाई। अभी मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और आज तक लोग ही बहुत कम घूम रहे हैं, थोड़े से लोग हैं। मार्केट सारी मंसी तो काम मिल चुका है मुझे वेबसाइट का वर्डप्रेस की, तो मस्त हो गया। बाकी देखते हैं घर जाके, अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है मिलते घर जाके। बुक आई हाँ, ये पढ़िए सुना पढ़िए। पढ़िए सुना तकड़ी पैकिंग करी सकता तुमको, अनबॉक्सिंग नहीं करने आती नानी कंची उठा दिया तो ओके कर ले। मैं वो करूंगी ना, मैंने सब लग जाएगी तो ये खाता हूँ, निकले वो खाता है। पाँच हजार पाँच सौ पचपन माइनस पाँच हजार 5,200 रुपया उल्टी है ये बुकमार्क दिखी नहीं देख ले, मैं तेरे लाता हूँ मंडल आ गए दिखाए तो अभी मैं घर पे आई हुई, पूरे पूरे मेरे को 1.5 घंटा हो गया। मैं लाया था वहाँ से सब्जी बाय करके और वो समोसे बाय करके, फिर बाय करते ही इतनी देर में ऑटो चल पड़ा, तो ऑटो में मैं बैठ के आ गया। COVID-19 केस बहुत बढ़ गए इस साल में, कल कल के 450 केस और हमारे गांव में 3 केस है, तो थोड़ा बच के जाना पड़ता है, बच के आना पड़ता है। मैं तो जो N95 मास्क होता है वो उतारते ही नहीं हूँ, जैसे तो सर की क्लास में भी लगाए रखता हूँ। आज सर ने HTML और CSS तो बिल्कुल फिनिश कर दी, अभी स्टार्ट करने वाले थे PHP, पर अभी PHP वो एक बार स्किप कर दिया एक मंथ के लिए, और WordPress आ गई है क्योंकि मेरे को WordPress का काम दिया है। थोड़ी बहुत तो आती है मेरे को, पहले करवा दी थी चलने, और अभी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस के लिए। मेरे को सर ने दिलवाया ये प्रोजेक्ट, मनानी नहीं है वेबसाइट बनी हुई है, बस उसका मेंटेनेंस ये रखना है, मेंटेनेंस तो रखना आता ही है, तो 5,000-6,000 रुपये मंथली मिल जाएंगे इसके। और
परमानेंट काम है, जब तक वेबसाइट में रहेगी तब तक अपना ही रहेगा। अगले को काम पसंद आना चाहिए, हम काम बढ़िया करके देंगे। मैं तो जी जान लगा दूंगा काम करने में, और तो क्या है। मन एक बार फर्स्ट इनकम की जो खुशी है वो खुशी जबरदस्त है। कभी यूट्यूब से भी इनकम आएगी। अभी मैं ये लगा ये अमरूद वाला जो छूँगा उल्टा दिख रहा है कैमरे में जो फ्रेंड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मस्त काम हो जाएगा। रेडमी 9 पावर जरूर लाऊंगा मैं बाय करके। एक तो वाइड एंगल कैमरा है, इसका वाइड एंगल नहीं है। चलो मैं अभी थोड़ा जोश देता हूँ, फिर मिलते हैं। और तो बात करने को है नहीं, बाकी व्यूज कहाँ आते नहीं है, आज वाली व्यूज पे आए नहीं है अभी तक कुछ भी। थोड़ा बहुत व्यूज आए हैं, क्या हो रखा है पता नहीं। लोगों का तो इतनी वीडियो डालने के बाद भी सक्सेस होता है हो जाते हैं। हमारी 34 वीडियो हो चुकी है, मतलब 34 दिन हो चुके हैं मेरे को डालते हुए, मगर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 34 पे 37 सब्सक्राइब, मेरे थोड़े दिनों में 37 वीडियो हो जाएंगी। मैं पता नहीं क्या वायरल हो जाए, आप लोगों को क्या पसंद आ जाए, क्या वायरल कर दो आप। तो मैं सोच लिया एक साल तक तो वीडियो डालनी ही डालनी है मेरे को। तो फिर एक आइडिया हो रहा है, मैं वेबसाइट प्रमोट करना शुरू करूँगा। भाई अभी 6 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर जी की दुकान में हूँ, क्योंकि लाइट गई अभी तक और ट्रांसफर मेरे ख़राब हो गया, तो लाइट पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं शाम तक। अभी फिर ब्लॉग ख़त्म यहीं, और मिलते हैं बाद में। अगर लाइट आई तो आगे मना दूँगा ब्लॉग, नहीं तो यहीं एंड करता हूँ, मिलेंगे कल फिर। अभी 9 बज चुके हैं और लाइट आ रखी है, तो सुबह 11 बजे लाइट गई थी और अभी 9 बजे लाइट आई है। मैं फ़ोन पड़ोसियों के चार्ज करके लाया था, बिल्कुल बंद हो गया था उसके बाद, तो अभी तो 100% चार्ज है अपना। और लाइट जो ट्रांसपोर्ट वो क्या बोलते हैं ट्रांसमिट है वो बढ़ गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो अभी उसको सही रिप्लेसमेंट किया है। तो ये रिप्लेसमेंट करते ही डाइट आ गई, पता नहीं ब्लैक फुटेज क्यों आ रही है इसके अंदर कैमरा के अंदर। तो गाइस अभी क्या बताऊँ आपको, ये मेरा लैपटॉप, ये देख रहे मेरा लैपटॉप, ये रहा एच पी और थक गए हैं। मैं था 3 बजे, 3 बजे आते ही लाइट गई हुई थी, तो मेरा शायद 40% चार्ज था। उसके बाद में फिर बचा बच गई। वैसे मेरा ATM आ चुका है, मन अभी पिन जनरेट नहीं करवा सकते क्योंकि राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो शायद कल जनरेट हो जाए, कल 12 बजे तक टाइम है, तो पता नहीं देखते हैं अगर जनरेट हो जाता है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, कल मिलेंगे एक और नई ब्लॉग और एक नई शुरुआत के साथ। भगवान के कल का दिन बढ़िया हो आपके लिए और मेरे लिए भी। सो बाय।